अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 1, चैप्टर नंबर 3, फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट्स अ वेरी वेल नोन प्रिंसिपल इन ऑप्टिक्स एंड नाउ वी विल डिस्क्राइब द सिमिलर फिनोमेना इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये इसकी एक जनरल इक्वेशन है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको स्टार्ट करने से पहले ऑप्टिक्स में जो सुपरपोजिशन फिनोमिना आपने पहले डिस्कस किया हुआ होगा वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास अगर एक वेव है कुछ इस तरह से, दिस इज लेट से वेव वन, और आपके पास एक और सेकंड वेव है, इन अ सिमिलर पैटर्न लेट से, तो उसकी जो रिजल्टेंट वेव आती थी 1+2 वो कुछ इस तरह से होती थी कि इन दोनों वेव्स क्योंकि ये सेम फेज में है तो जब ये एड अप होती थी तो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो एड अप होता था और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करते थे कुछ इस तरह से। तो ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बिल्कुल इसी कंसेप्ट की बुनियाद पर क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले वो एक सवाल करते हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था। हाउ डू वी अकाउंट मैथमेटिकली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये रेफरेंस 2 मैंने दिया हुआ है, बेसिकली ये चैप्टर 1 में हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें दो स्लिट्स होती थी और पीछे से एक इलेक्ट्रॉन आता था लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीन पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहा था। तो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन एक है तो वो स्लिट 1 से गुजरेगा या 2 से गुजरेगा, तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों आ रहा है। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया था विद मटेरियल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर इंटरफेरेंस क्यों शो कर रहा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एन आंसर इज ऑफर्ड बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो उस सवाल का जवाब है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको देगा। वो कहते हैं द इंटरफेरेंस रिजल्ट्स फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स एमिटेड बाय स्लिट 1 एंड 2। तो वो कहते हैं बेसिकली वो जो डबल स्लिट है, लेट्स से ये स्लिट S1 है और ये नीचे S2 है, तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जी ये जो स्लिट S1 और S2 है एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली वेव फॉर्म में या फील्ड फॉर्म में होता है, तो उसकी उसकी जो फील्ड जब गुजरेगी S1 से और उसी की फील्ड गुजरेगी S2 से, तो उसको वो नाम देते हैं फील्ड है, तो हम उसको वेव फंक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो फील्ड S1 से गुजरेगी स्लिट 1 से हम उसको नाम दे देंगे Psi1, जो S2 से गुजरेगी उसको हम नाम दे देंगे Psi2। सो इफ द वेव फंक्शन Psi1 एंड Psi2 विच डिनोट्स द वेव्स रीचिंग द स्क्रीन एमिटेड, तो ये दोनों वेव्स जो हैं स्क्रीन पर जाकर जब पहुंचती हैं बाय स्लिट S1 एंड S2 रिप्रेजेंट्स टू फिजिकली पॉसिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो स्क्रीन पर पहुंचने पर ऐसे लगता है कि वो दो फिजिकली पॉसिबल स्टेट्स हमारे सामने आ रही हैं, यानी कि स्क्रीन को ऐसा लगता है, तो वो उनको एक डिफरेंट यानी कि 2 लिख दिया ना, तो वो उन स्क्रीन के लिए वो दो डिफरेंट वेव्स हैं, जैसे कि यहां दिखाया गया 1 एंड 2 ये वेव्स। सो देन
एनी लीनियर सुपरपोजिशन इज। अब स्क्रीन के लिए तो वो दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए वो उसकी सुपरपोजिशन प्रोड्यूस करता है विच इज 1+2। तो मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स में हम लिखेंगे कि ये एक रिजल्टेंट वेव बनती है जो स्क्रीन पर, वो होती है साई 1 प्लस साई 2, तो उन दोनों का एड अप होना, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो आल्सो रिप्रेजेंट्स अ फिजिकली पॉसिबल आउटकम ऑफ अ सिस्टम। तो ये उसका आउटकम है जो दो रिजल्टेंट वेव, जो दो वेव स्क्रीन पर पहुंचती हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेव ये बनती है। वेयर A1 एंड A2 आर दस द कोफिशिएंट्स। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इन क्वांटम पार्टिकल्स एम्पलीट्यूड्स एड अप। ऑप्टिक्स में भी ऐसे ही होता था, अभी हमने डिस्कस किया यहां पर कि एम्पलीट्यूड जो है वो एड अप होता है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। तो क्वांटम पार्टिकल्स में भी उनके जो वेव बिहेवियर होता है वेव फंक्शन के फॉर्म में, वो उनका एम्पलीट्यूड एड अप होता है और उसकी ये इक्वेशन है। सो दिस गिव राइज टू इंटरफेरेंस। और ये जो सुपरपोजिशन प्रोड्यूस होती है यही बेसिकली स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। इट वाज अ वेरी शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।